हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वैशाली शर्मा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे स्केंटी पीरियड्स के बारे में। स्केंटी पीरियड्स का मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड साइकिल द फ्लो ऑफ द पीरियड इज लेसर देन एज इट यूज टू बी। जितना पहले फ्लो हुआ करता था, जितने दिन हुआ करता था, उससे अगर कम हो गया है, एंड आई वुड से अगर दो दिन से कम फ्लो है, इनफैक्ट अगर आपको एक दिन में यू हैव टू यूज लेस देन अ पैड इन अ डे, then I would say, yeah, definitely there can be some reason you need to visit a clinic so that we can assess you, we can find out what is the cause. There are many causes of scanty periods. Most common in India is, I would say, the tuberculosis. As we all know, tuberculosis is very common in India, and if it is detected at an early stage, it can be treated nicely with medicines. बट अगर देर हो जाती है और अगर टीबी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है यूट्रस में, उस कंडीशन में उस डैमेज को रिवर्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इवन देन अगर आप पहुंच टाइम पर आते हैं और आपका टेस्टिंग होती है और उसमें टीबी पॉजिटिव आता है, देन डोंट पैनिक, इट कैन बी ट्रीटेड विद जस्ट विद मेडिसिन एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्केंटी पीरियड्स इज़ व्हेन देयर इज सम हिस्ट्री ऑफ डीएनसी, कभी एमटीपी कराई है या कोई मिसकैरेज हुआ है या किसी भी वजह से डीएनसी कराई गई है और वो कहीं पे अनप्रोफेशनल या फिर अनट्रेन्ड लोगों से करा ली जाती है। उस कंडीशन में व्हाट हैपेंस, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग कर देता है या बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच जाता है यूट्राइन कैविटी को, उस कंडीशन में जब अंदर की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, देन द पीरियड फ्लो डेफिनेटली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड ग्रेजुअली मेनी टाइम्स इट इज सीन दैट देर आर नो पीरियड आफ्टर अ डीएनसी इफ इट इज डन रॉन्गली। सो यू हैव टू टेक केयर वेन एवर यू आर गेटिंग एन एमटीपी डन और वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी मिसकैरेज एंड डीएनसी, देन डेफिनेटली चूज अ वेल रजिस्टर्ड क्लिनिक, वेल रजिस्टर्ड सेंटर। डोंट विजिट एनी अनरजिस्टर्ड एरिया जहाँ पे देर शुड बी अ रजिस्टर्ड डॉक्टर हु इज डूइंग दिस प्रोसीजर। डोंट गेट इट डन विद द पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी डिग्री इन दिस फील्ड, एंड बिकॉज इट कैन परमानेंटली डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। मेनी अ टाइम्स सच पेशेंट्स कम टू अस एंड दे डेवलप अ डिजीज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम। देयर वॉट हैपन्स, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है वहाँ पे जाले बन जाते हैं जैसा कहें तो, और उनको उसकी वजह से जो अंदर की कैविटी का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और जब वो प्रेगनेंसी करने की ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती, या अगर हो भी जाती है तो वो फिर से मिसकैरेज हो जाता है। इसीलिए ऑलवेज यू नीड टू फाइंड आउट योर सिम्टम, डिटेक्ट इट अर्ली, एंड ऑलवेज कंसल्ट अ वेरी रजिस्टर्ड डॉक्टर विद एट अ रजिस्टर्ड सेंटर। डोंट ट्राई टू गो टू एनी रिमोट प्लेस जस्ट टू गेट इट डन बाय एनीबडी। मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन पीपल गेटिंग इट डन सम अनट्रेन्ड स्टाफ एट सम प्लेस एंड इट लीड्स टू सेप्टिक अबॉर्शन। बहुत सारे लोगों को इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इट कैन इवन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। रिसेंटली आई सॉ वन सच यंग गर्ल हु जस्ट गॉट हर ट्यूब्स एंड यूट्रस डैमेज जस्ट बाय एन आई वुड से एसेप्टिक डीएनसी। सो ऑलवेज गेट द प्रोसीजर डन एट अ वेरी स्टेराइल सेंटर वेयर यू कैन सी या द स्टेरिलिटी इज मेंटेन, एवरीथिंग इज लुकिंग क्लीन। And next thing is, if you have a symptom of a scanty period, don't overlook it, especially if you want to plan a pregnancy in the future. Agar aapki age 35 ya usse zyada hai and you are not planning for any pregnancy, you have already completed your family aur uske baad aapke periods dheere dheere kam hona start ho rahe, then there is no problem at all, because there is certain age related decline also, the number of eggs are decreasing, so therefore the flow in the period is also decreasing. But if you have to plan a pregnancy in future, then definitely this is an alarming sign. You should get it checked. There are many tests that we can do to find out the cause of this scanty periods. And there is a very simple procedure called hysteroscopy, which can be done to just to find out also and to correct the cause of this scanty period. So don't waste your time. If you have any symptom, do connect to your nearby gynec or any center nearby you. And you can leave your queries in the comment section. We will be really delighted to help you out. Thanks a lot. Take care. Bye.